एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन की, यानी कोरोना की वैक्सीन। आज हम बात करेंगे उसमें कि कौन कौन सी महिलाएं 18 साल से ज्यादा की उम्र की वैक्सीन आराम से लगवा सकती हैं और कौन कौन सी नहीं लगवा सकती हैं। अगर महीना आ रहा है तो वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे हैं तो वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंसेस की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि क्या मैम, हम महीना आ रहा है हमारा, हमें मेंसेस आ रहे हैं, जो स्लॉट्स बुक हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट्स मिल रहे हैं, तो जो डेट्स मिल रही है वो कहीं कहीं किस किस महिलाओं का महीना आने की डेट पे कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी उन डेट्स में मिल रही है जिस डेट्स पे उनको महीना आ रहा था। तो क्या उन डेट्स में हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं उन डेट्स पे, क्योंकि वो वैक्सीन जो है वो आपके मेंसेस में या आपके महीने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, आप आराम से लगवा सकते हैं। वैक्सीन का इतने फायदे हैं, इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वैक्सीन जो है लगवाना ज्यादा बेहतर है। स्लॉट्स इतने मुश्किल से मिल रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, महीने में कोई शिकायत नहीं होगी। वो फीमेल्स जो होती हैं जिनको महीने में ज्यादा तकलीफें होती हैं, यानी दर्द ज्यादा रहता है, पड़ी रहती हैं बिस्तरों पे, तो उनसे मैं ये कहूंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम्स होती हैं, बुखार आता है, बदन दर्द रहता है, जहां वैक्सीन लगता है वहां दर्द रहता है, थोड़ा सा डिजीनेस रहती है, सुस्ती सी आती है, तो आप उसके लिए मेडिकेशन ले लें, लेकिन अपने स्लॉट्स को जो आपको मिले हैं उनको उस टाइम पे आप वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि बहुत मुश्किल से स्लॉट्स मिल रहे हैं, वैक्सीन कम भी है। अगर आपको चांस मिल रहा है वैक्सीनेट होने का तो मेंसेस का बिल्कुल भी ना सोचें और वैक्सीन लगवा लें, और अगर ज्यादा परेशानी है तो दवाइयां ले लें। दूसरी बात करते हैं हम फर्टिलिटी की। दूसरी महिलाएं जो होती हैं, कुछ महिलाएं मुझसे ये पूछती है, क्या मैम हम जो है आगे फ्यूचर में अगर कंसीव करना चाहते हैं तो क्या हमारी जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता में कोई परेशानी हो सकती है अगर वैक्सीन लगवाते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई परेशानी नहीं होती है, आप आराम से बच्चे कर सकती हैं। ये वैक्सीन आपका बच्चा पैदा करने की क्षमता को कम नहीं करता है। किसी भी ओवरीज होती हैं, टेस्टिस होती हैं, जो आपके बच्चे पैदा करने के अंग होते हैं, ये वैक्सीन उस पर कोई भी असर नहीं करती है। तो आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप फ्यूचर में प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत होकर वैक्सीन लगवाएं। तीसरी महिलाएं वो होती हैं जो कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है, यानी वो महिलाएं जो ऑलरेडी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रही हैं, यानी वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो जो है एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जा रही हैं, मतलब एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं और ट्रीटमेंट करवा रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं? देखिए, इस टाइम पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप बच सकते हैं, बचने के चांसेस ज्यादा हैं, जो बीमारी है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होगी अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप वैक्सीन लगवा लें और एक दो महीने अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आप डिले कर दें। लेकिन अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ऑलरेडी है, आपके ओवम फ्रीज हो चुके हैं, आपका एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होने वाला है, यानी आपकी बच्चेदानी में उसको इम्प्लांट करना है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट जिनको भी कंसल्ट कर रहे हैं उनसे बात जरूर करें, क्या इस टाइम पे वैक्सीन लगवाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि वैक्सीन में लगवाने से शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसके एंटीबॉडीज कहते हैं जो बनती हैं, कुछ इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स होता है, यानी शरीर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो हमें कोविड-19 वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है या ओवम पिकअप है जो हम ओवम ले रहे हैं उसमें असर कर सकता है। स्टडीज नहीं है हमारे पास, डाटा नहीं है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट हैं, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, लेकिन अगर आपके लिए एक दो महीने टाल सकती हैं तो आप प्लीज वैक्सीन पहले लगवा लें, उसके बाद ही आईवीएफ प्लान करें अगर आप थोड़ा डिले कर सकती हैं तो, क्योंकि इस टाइम की जरूरत पहले वैक्सीनेशन की है, आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी की।
प्रेगनेंसी में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, प्रेग्नेंट हो या लैक्टेटिंग मदर हो जो दूध पिला रही है अपने बच्चों को, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी कोई डाटा नहीं है, अभी जो है ट्रायल चल रहे हैं, अभी जो है एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, अभी जो है देखा जा रहा है कि क्या ये वैक्सीन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए सेफ है या नहीं है। तो गाइडलाइंस तो नहीं है, सेफ्टी हमें पता नहीं है कि वाकई में ये वैक्सीन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, मतलब आप घर पे रह सकते हैं, अगर आप मास्क पहन के रह सकते हैं, अगर आप जो है बाहर निकले तो सीधा मास्क रखिए, जो सारे प्रिकॉशंस हमने आपको बताए हैं, रिपीटेडली हाथ धोना, ये सब अगर आप कर सकते हैं तो ही अवॉइड करें प्रेगनेंसी में वैक्सीन ना लगवाना। लेकिन अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या फिर आप एक पुलिस में है या कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आप घर में नहीं बैठ सकते हैं, आपका एक्सपोजर है, तो उस चांस में उस टाइम पे रिस्क ज्यादा हो जाता है कोरोना का। तो ये बात आप ध्यान रखिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो एक रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है माँ के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिस्क होता है माँ के लिए अपनी लाइफ का, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और ऐसे में कोरोना हो जाता है तो वो ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। तो उस केस में जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कोरोना के साथ ज्यादा मिल जाते हैं और माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी पे असर आ जाता है। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, अच्छे से ख्याल रख सकती हैं, तो आप वैक्सीन अवॉइड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क पे हैं तो रिस्क बेनिफिट रेशियो देख के आप अपने आप को वैक्सीन लगवा सकती हैं, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, डॉक्टर की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, डॉक्टर सिर्फ आपको समझा सकते हैं कि बेनिफिट ज्यादा है रिस्क से अगर आप प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगवाती हैं। क्या वो बच्चे पे असर करेगा अभी कुछ नहीं पता है, क्या माँ पे असर करेगा वह कुछ नहीं पता है, बट ये जरूर पता है कि अगर वैक्सीन लगवा देंगे तो प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कोरोना की वजह से वो थोड़े कम हो जाएंगे। आप तो बचेंगे ही बचेंगे, बच्चा भी खत्म होने से या अबॉर्शन होने से बच सकता है, और जो माँ के अंदर बदलाव होते हैं, जो एंटीबॉडीज आती हैं, वो बच्चे में जाके बच्चे को भी प्रोटेक्ट करती हैं अगर वो डिलीवर करती हैं। तो ये सब तो बेनिफिट्स रहे, लेकिन क्योंकि हमें फायदे तो पता है लेकिन हमें नुकसान नहीं पता क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी कोई स्टडीज नहीं हुई है, कोई ट्रायल नहीं हुए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, तो मैं आपको 100% नहीं कह सकती हूँ कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, लेकिन ये पूरा आपके ऊपर है, आप लगवाना चाहते हैं आप लगवाइए, लेकिन उसके रिस्क क्या रहेंगे ये हम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेनिफिट जरूर है ये हम बता सकते हैं। और अगर आपको लगवानी है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में लगवाएं, शुरू के 3 महीनों में ना लगवाएं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के अंग बनने शुरू होते हैं और उस टाइम पे अगर आप वैक्सीन लगवाती हैं तो एबॉर्शन का रिस्क या बच्चे में बनावट का रिस्क हो सकता है, और आखिरी के 3 महीनों में लगवाती हैं तो जो वैक्सीन की वजह से जो शरीर के अंदर बदलाव हो सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में आखिरी के 3 महीनों में हो सकती हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वैक्सीन वाकई में लगवाना चाहती हैं, बहुत हाई रिस्क पे हैं, या आपको लगता है कि नहीं मुझे वैक्सीन लगवानी है, मैं एक ट्रायल लेना चाहती हूँ, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में आप लगवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में अभी नहीं आया है तो ये पूरा आपका रिस्क रहेगा। बात करते हैं लैक्टेटिंग फीमेल्स की, यानी वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहती हैं तो आप लगवा सकती हैं। बेनिफिट ये रहेगा कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, जो आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, अगर वो आप ब्रेस्ट फीड करती हैं वैक्सीन लगवा के, तो एंटीबॉडीज जो आपके अंदर बनी है वो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे में जाती हैं और बच्चे को भी प्रोटेक्शन करती हैं। तो फायदे तो देखे ही गए हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पाए हैं, सेफ्टी हमें नहीं पता कि कितनी है इस वैक्सीन की, कितनी नहीं है, बेनिफिट हमें पता है क्योंकि ये एक लाइव वैक्सीन नहीं है, यानी ये जो वैक्सीन है इससे वायरस मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो लगवाना अच्छा है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, लेकिन क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप कह नहीं सकते हैं कि क्या नुकसान है, जब तक गाइडलाइंस गवर्नमेंट की नहीं आती हैं तो पूरा रिस्क आप पे रहेगा। तो अगर समरी बताना चाहूँ, एक शॉर्ट में बताना चाहूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको महीना आ रहा है आप प्लीज वैक्सीन लगवा लें, दवाइयां ले लीजिएगा ज्यादा परेशानी हो, क्योंकि स्लॉट्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, मौका है अगर वैक्सीन लगवाने का तो बिल्कुल लगवाएं, महीने के आने पर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
दूसरी चीज फर्टिलिटी, उसमें मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि इस फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगी, आप बच्चे पैदा करने की क्षमता बिल्कुल खत्म नहीं होगी, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी का ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट हैं तो आप अपने IVF स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही वैक्सीन लगवाएं, और अगर आप डिले कर सकते हैं 1-2 महीने अपना IVF ट्रीटमेंट तो वैक्सीन पहले लगवाएं। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाएं, यानी जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग अपने रिस्क बेनिफिट रेशियो के, मतलब फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, ये सब देखकर ही वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से और मैंने आपको कुछ मदद की होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।